नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। लाहरपुर डैम के पास स्थित दशहरा मैदान में 19 जनवरी से रुद्र महायज्ञ, श्रीमद् शिव पुराण कथा और रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। गुरुवार दोपहर 12 बजे भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित किए। रुद्र महायज्ञ के लिए 19 जनवरी को सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर अमराई से कलश यात्रा निकाली जाएगी। 26 जनवरी को भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। यज्ञ श्री हनुमान जी महाराज आयोजन समिति द्वारा की जा रही है। यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम। यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, स्थान देवता की। मैं डॉक्टर केशव तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू युवा भवन। इस तरह के आयोजन हो, तब से आयोजन हुआ। 19 जनवरी से 25 जनवरी तक का यह आयोजन है। धार्मिक जन कल्याण की भावना से आयोजन रखा गया है, जिसका आज जो है ध्वजारोहण भूमि पूजन किया गया है और आज से यज्ञ की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और सभी लोगों का आयोजन है, समस्त भोपाल का आयोजन है ये। सर आज भूमि पूजन हुआ, क्या पूरा आयोजन? आज भूमि पूजन लाहरपुर के दशहरा मैदान में महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है। उसकी तारीख है 24 जनवरी तक और पूर्णाहुति के दिन भंडारा होगा। ये आसपास के क्षेत्र के, पूरे भोपाल क्षेत्र के लोग यहाँ आने वाले हैं और बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है महारुद्र यज्ञ का। सर कहाँ पे आयोजन होने वाला? पुराण कथा प्रतिदिन चलेगी यहाँ पर और सारे धर्म प्रेमी बंधु यहाँ उपस्थित होंगे। ये हम अगले दिनों देखेंगे। 19 तारीख से निवेदन करेंगे पत्रकार बंधु आपसे कि इस आयोजन को आप अपने चैनल के माध्यम से, आप अपने न्यूज़ के माध्यम से अधिक अधिक लोगों में पहुँचा दें और आप यहाँ आए, क्योंकि आपसे कई बार हमने निवेदन किया और हमारी आपने निवेदन स्वीकार किया। ये आपके पत्रकार महोदय, आपके ये चैनल के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों में ये जानकारी पहुँचा। बड़े खुश का विषय है कि आज लाहौर दशहरा मैदान में आगामी महीने के अंदर जो एक रुद्रक होना है, उसके लिए आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाज के बहुत से लोग, समाज के प्रमुख और संत महात्माओं का आज आगमन हुआ। इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं ईश्वर से सबसे कि भगवान हमारा जो यज्ञ है पूर्ण रूप से सफल। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं राजेश कुमार और यहीं वासवनिया क्षेत्र का निवासी हूँ और छोटा सा सहयोग ये करता हूँ। आप सभी का, सभी के सहयोग की आशा करता हूँ। सभी लोग पूर्ण तन मन धन से इस कार्य में अपना अपना समय जरूर दें। धन्यवाद। 19 जनवरी पीछे जाइए, 24 जनवरी तक महारुद्रिया होने वाला है और जितने आसपास के हैं, भोपाल के हैं, सभी के लिए एक अच्छा संदेश है और हम चाहते हैं ऐसे ही सनातन के लिए हम लोग कुछ करते रहें। और सभी हमारी महिलाएं हैं, सब भाई बंधु हैं, सभी हैं और कुछ अच्छा करें। राजनीति तो हम सभी करते हैं लेकिन सनातन के लिए कोई खड़ा होती है तो बहुत बड़ी बात है। और हम तो अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं और हमेशा यही चाहते कि मतलब में ऐसे कार्यक्रम होते रहें जो अपनी जनता के बीच में संदेश अच्छा पहुंचे, धार्मिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।